के न्यूज चैनल सच का साथ इस वक्त की खबर चनपद बांदा से आ रही है। कांग्रेसियों ने घोड़ा गाड़ी में मोटरसाइकिल लाद कर किया प्रदर्शन। बांदा के कांग्रेसियों ने पेट्रोल डीजल और बढ़ती कीमती दामों को देखते हुए जहां पर अपने मांगों को लेकर महंगाई को लेकर लगाए मोदी योगी मुर्दाबाद भाजपा हाय हाय के नारे लगाते हुए घोड़ा गाड़ी मोटरसाइकिल रखकर कार सवार सभी नेता धक्का लगाते हुए बांदा शहर के महेश्वरी देवी चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। तस्वीर में आपको दिखाई आप देख भी सकते हैं, महंगाई और बेरोजगारी को मार पूरा देश झेल रहा है। जब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए बहुत ही समस्या बढ़ गई है। किसी भी तरीके से जहाँ पर आदमी अछूता नहीं हो रहा, जहाँ पर व्यापारी को हो रहे या कहीं नौकरी को हो रहे, सभी को मुश्किलें झेलनी पड़ रही। शहर के बावजूद चौराहे पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव दीक्षित ने जहाँ पर अध्यक्ष कांग्रेस की महंगाई की मार और दिन रात पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने के बावजूद चौराहे पर जहाँ पर चौक बाजार होते हुए भी बाजार के महेश्वरी देवी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। देख रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हम लोग आज जो है देख रहे हैं डीजल पेट्रोल की मूल्य इतनी वृद्धि हो गई मूल्यों में कि एक आम आदमी डीजल पेट्रोल खरीदने में परेशान है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी भी पेट्रोल के बराबर डीजल नहीं पहुंचा है। आज डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा बढ़ गए हैं। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि इनके दामों को तत्काल घटाया जाए, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा दें। आप धक्का मारते हुए जा रहे हैं, आज हम लोग का सरकार के विरोध में विरोध प्रदर्शन है। जो पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़ाते जा रहे हैं। आम जनता के इतना अब जेब में पैसा नहीं है कि वो पेट्रोल डला के गाड़ी चला सके, तो हम लोग धक्का दे के गाड़ी चलाएंगे। और ये नौबत आ गई है जनता की, क्योंकि लॉकडाउन में इतना परेशान रही, लोगों की कमाई का कोई जरिया नहीं बचा। अब जो था तो उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया। जनता का पैसा है, जनता के उसमें नहीं लगा पा रहे और पेट्रोलों के दाम बढ़ाते जा रहे और हर चीज की महंगाई बढ़ा रहे। हम लोग इस सरकार का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, वो जनता के समर्थन में बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार इस्तीफा दे। लॉकडाउन में जिस तरीके से पूरा देश परेशान है, वैसे में पेट्रोल के दाम बढ़ा करके क्या जनता के साथ नाइंसाफी नहीं किया जाता? जनता के साथ, किसान के साथ, क्योंकि किसान पूरी तरह से पेट्रोल से जुड़ा है, क्योंकि वो आना जाना सब पेट्रोल से होता है, ट्रैक्टर में पेट्रोल डाला के। तो इसमें दाम बढ़ेंगे तो जनता तो परेशान होगी, किसान भी परेशान होंगे। अगर डीजल के दाम बढ़े हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, उससे महंगाई बढ़ेगी, उस पर क्या कहेंगे? बढ़ेंगे, इसीलिए तो हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आम जनता पे बढ़े हुए दामों का आम जनता पे असर पड़ेगा, क्योंकि हर चीज में। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को